दोनों हाथ जुड़े हुए और आंखों में आंसू लिए। इस महिला को कुछ घंटों पहले इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके घर पर हो रही शादी में भी रौनक लौट आएगी, और यह कर दिखाया है खुशी एक पहल नामक संस्था ने। दरअसल ग्वारीघाट के पास एक छोटा सा गांव है छेवला, जहां पर रहने वाली शशि की शादी 23 जून को होने वाली है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, जिसके कारण वे शशि की शादी में किसी भी प्रकार की व्यवस्था करने में असमर्थ थे। जब इस बात की जानकारी खुशी एक पहल नामक संस्था को चली तो उन्होंने परिवार की मदद की और शशि की शादी में कोई कमी ना रह जाए इसकी पूरी व्यवस्था भी कर डाली। जब पलपल इंडिया ने शशि की दादी से पूछा कि संस्था ने जो आपके लिए किया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं, तो देखिए दादी का गला कैसे रूंध गया और खुशी से आंखों में आंसू आ गए। खुश बेटा, खुश, कोई नहीं हो, माँ बाप, हम दादी, खूब अच्छे से दादी बेटा। दरअसल खुशी एक पहल नामक संस्था जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। संस्था के लोगों ने पल पल इंडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी 10 शादियां करवाई हैं और आगे भी अगर किसी को मदद की आवश्यकता है तो वे आगे आकर उनकी मदद जरूर करेंगे। मुझे खुशी एक पहल से ही पता चला कि गरीब कन्याओं को आवश्यकता है, जिनको शादी करना संभव नहीं है उनकी हेल्प अगर ना की जाए तो हम कई सदस्यों ने मिल के उनके लिए मदद की। और हम यही कहना चाहते हैं समाज से कि ऐसी जो भी कन्याएं हैं जिनके घर परिवार नहीं हैं, अनाथ हैं, उनके लिए सबको मिलके उनकी मदद करना चाहिए, जिसमें उनका भी परिवार बस सके। जब भी किसी की ज़रूरत हो, किसी बच्ची की ज़रूरतमंद पता चलता है कि उसको मैरिज के लिए घर में नहीं है, तो हम उसकी मदद करते हैं। हमारी संस्था इस बार ये 10वीं मैरिज करवा रही है, वो आगे भी ये कार्य जारी रहेगा। मुझे बच्ची की जानकारी हुई थी कि ग्राम छिबला कैंट थाना के पास एक निर्धन कन्या है, इस बच्ची के माता पिता नहीं है, तो हमारी जो संस्था है वो इस प्रकार के कार्य करती है, सेवा कार्य करती है कि जो बच्ची के माता पिता या परिजन नहीं होते या निर्धन होते हैं, तो कन्या विवाह में जो आर्थिक मदद हो और अधिक से अधिक मदद हो, जो भी उपहार में सामान देना होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं पलंग, जो भी सामान देना चाहें, हमारे सब सहयोगी मित्रों द्वारा माँ रेवा निशुल रक्तदान सहयोग से विकास शुक्ला जी, नवीन शिवानी जी, ऋषि सागर जी के द्वारा इस सेवा कार्य में मुझे भरपूर सहयोग मिलता है। और मैं मानवता से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार के सेवा कार्य हमेशा हम सब पर आशीर्वाद बनाए रखें, हम सब हमेशा यह सेवा कार्य करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।